भारत के लिए बैडमिंटन में आज बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस होने वाले हैं। फ्रेंच ओपन 2024 के सेमीफाइनल मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें हमारे सत्विक साईराज और चिराग शेट्टी एंड लक्ष्य सेन मेन सिंगल्स में नजर आने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या इनका हेड टू हेड है, कितने प्रतिशत चांसेस हैं लक्ष्य सेन और शेट्टी के जीतने के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्पोर्ट्स की अपडेट्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल राणा और आप देख रहे हैं पहाड़ी ब्रदर्स ऑफिशियल स्पोर्ट्स चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, वैसे हमारे लक्ष्य सेन पिछले कुछ समय से अपनी फॉर्म में नहीं चल रहे थे। अगर हम बात करें आज से डेढ़ दो महीने पहले की, तो वो अपने लगातार सारे मैचेस जो है राउंड ऑफ 32 और राउंड ऑफ 16 में हार जाया करते थे, लेकिन कुछ चमत्कार देखने को मिल रहा है पिछले एक महीने से। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का वो समय जिसमें लक्ष्य सेन ने अपने तीनों मैचेस टीम इवेंट में जीते हैं, पिछले तीन इवेंट मैचेस जीते और इस फ्रेंच ओपन में अपने तीनों मैच जीतकर आज सेमीफाइनल पहुंच गए हैं। और ये जीत किसी लो रैंक प्लेयर के खिलाफ नहीं मिली है इनको, भले ही हम बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप की बात करें या फिर फ्रेंच ओपन की बात करें, जितने भी उन्होंने मैचेस खेले हैं सब हाई रैंक प्लेयर हैं। और चाहे वो ली शी फैंग हो, फिर वो चाहे कोई भी चाइनीज प्लेयर हो, ताइवान प्लेयर हो, जापानीज प्लेयर हो, हांगकांग चाइना प्लेयर हो, अच्छे अच्छे प्लेयर्स को हराकर सेमीफाइनल पहुंच गए हैं। तो ऐसी फॉर्म को देखकर ये प्रिडिक्ट तो किया जा रहा है कि वो बड़े आराम से ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं कि वो पूरे तैयार हो चुके हैं ओलंपिक्स के लिए। भारत को एक मेडल जरूर वो दिलवा सकते हैं मेन सिंगल्स में। कुछ छह महीने पहले ऐसा देखकर लग रहा था कि ये बंदा क्या ही ओलंपिक्स खेलेगा, क्या ही ये मैच खेलेगा, उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कमबैक इसी को कहते हैं। अपने पिछले सारे छह मैचेस वो जीते हैं और एक जोरदार दावेदारी उन्होंने ठोकी है। लेकिन बात आती है आज के मैच के लिए। आज खेला जाएगा कुल्लावुत विदित सरन के खिलाफ मैच, और कुल्लावुत आप जानते ही हैं बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स को हराकर वो खुद यहां तक पहुंचे हैं। अपने पिछले टूर्नामेंट की बात करें तो तीन के तीन मैचेस वो जीते थे, एंडर्स एंटोनसन से वो हार गए थे। मतलब कुल्लावुत पिछले छह मैचेस में से पांच मैच जीता है, एक मैच एंडर्स एंटोनसन के खिलाफ हारे हैं, बाकी जापानीज और चाइनीज प्लेयर के खिलाफ वो जीतते हुए यहां तक आ गए हैं। वहीं पर लक्ष्य सेन की बात करें तो पिछले छह मैचेस वो जीते हैं और जिसमें उन्होंने काफी बड़े बड़े प्लेयर्स को हराया है। तो दोनों तरफ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर नजर आ रहे हैं सेमीफाइनल में। अगर मैं हेड टू हेड की बात करूं तो छह मैचेस, अगर हेड टू हेड की बात करें इन दोनों की, तो छह मैचेस कुल्लावुत जीता है, चार मैच लक्ष्य सेन जीते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं पिछले छह मैचेस की बात करता हूं, लास्ट सिक्स मैच कुल्लावुत और लक्ष्य सेन के बीच में जो हुए हैं, तो उनमें आंकड़ा कुछ इस तरह से है, कुल्लावुत चार मैच जीता है और लक्ष्य सेन सिर्फ दो मैच जीते हैं कुल्लावुत के खिलाफ। यानी कि लक्ष्य सेन कहीं ना कहीं थोड़ा सा संघर्ष करते हैं कुल्लावुत के अगेंस्ट, बट देखते हैं भाई जैसी इनकी फॉर्म चल रही है उसको देखकर लगता तो नहीं कि आज वो हारेंगे। लक्ष्य सेन जरूर जीतेंगे, बस ये रबड़ सेट तक मैच जाता है, थर्ड डिसाइडर तक मैच चला जाता है उनका पिछले दो तीन मुकाबलों से, वहां पर थोड़ी सी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, वहां पर टेंशन थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन अंत भला तो सब भला। फिलहाल अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं। इवन प्रकाश पादुकोण जी ने भी उनको कह दिया था, जिस मर्जी जिस तरीके से खेलना हो खेलो, हमारी एडवाइस के अकॉर्डिंग चलने की जरूरत नहीं है, आपको जैसा सही लगता हो वैसा खेल सकते हो। ये आप ट्विटर पर भी देख सकते हो, मैंने ट्विटर पर पढ़ा था ये। तो फिलहाल लक्ष्य सेन को खुली छूट मिली है और वो खुले बड़े सांड की तरह, बिग बुल की तरह सबको धाराशाही करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज लक्ष्य सेन जीत जाएंगे। मैच 50-50 रहने वाला है, लक बेस्ड होगा और गेम बेस्ड होगा, जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं सत्विक साईराज और चिराग शेट्टी की, तो उनका मैच आज कोरिया के खिलाफ होने वाला है, सीओ करके खिलाड़ी है। वैसे ये पेयर जो है इनके बीच में काफी मैचेस हो चुके हैं हमारे सेट्टी के, और अगर हेड टू हेड की बात करूं पिछले पांच मुकाबले में, तो तीन मुकाबले भारत जीता है और दो मुकाबले कोरिया जीता है लास्ट फाइव हेड टू हेड में। तो मतलब कि ज्यादा चांसेस वैसे सेट्टी के जीतने के हैं, रैंक बेहतर है, पिछले कुछ मैचेस लगातार अच्छे खेल रहे हैं,
कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 70% जो चांसेस है वो सैची के जीतते गए हैं, 30% कहीं ना कहीं जो है वो मैं कोरिया की साइड देना चाहूंगा, क्योंकि कोरिया के ये पेयर काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग है, काफी दावेदारी भी रखते हैं ये भी। तो फिलहाल उम्मीद यही है कि आज भारत का 100% रेशो रहेगा और फाइनल में हमें दो इंडियंस देखने को मिल जाएंगे मेंस डबल्स और मेंस सिंगल्स में, जो कि काफी लंबे समय के बाद ये होगा कि हम अपने दो खिलाड़ियों को एक साथ फाइनल में देखेंगे। होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद करेंगे कुछ अच्छा ही देखने को मिले। बाकी मैचेस कब होंगे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 10:30 बजे के बाद ही भारत के लिए, लगभग 10-10:30 बजे के बाद ही भारत के लिए मैचेस होंगे। 7th और 8th नंबर मैच होगा तो समय लगेगा इनके मैच के लिए। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा लक्ष्य सैन के लिए, क्योंकि लक्ष्य सैन काफी ज्यादा नजर रखने वाले प्लेयर हैं। बाकी सैची भाई के ऊपर ज्यादा हम नजर ना ही रखेंगे तब भी वो आराम से जीत जाएंगे, बट लक्ष्य सैन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस ओलंपिक से पहले के समय में। तो देखते हैं क्या होता है मेरे भाई, जुड़ जाइएगा पहाड़ी ब्रदर्स के साथ वॉच अलोंग के लिए। मिलते हैं आपसे रात को लाइव स्ट्रीमिंग में। जय हिंद, जय भारत।